हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स आई एम योर टीचर प्रियंका हम कर रहे थे सीबीएसई क्लास टेन के साइंस का पेपर बोर्ड uh, पेपर 2023 का सेक्शन ए भी हमने कर लिया दिस इज 31 वन बाई फाइव सेट वन है ये सेक्शन सी हम करते हैं अभी स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी 27 नंबर क्वेश्चन है पार्ट ए लिखा है डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो डेफिनेशन था वो देना था दैट टू कंपाउंड्स कंबाइन एंड द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन दैट इज़ कैटायन एंड एन आयन एक्सचेंज देयर प्लेसिज एंड मेक टू न्यू प्रोडक्ट्स पार्ट बी में लिखा है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर तो मैं दोनों ही रिएक्शन यहाँ पे लिख करके दिखा देती हूँ सो दीज आर द टू रिएक्शन पहला न्यूट्रलाइजेशन हुआ एसिड बेस मिले एच सी एल एन एन एच और बनाते हैं सोल्ट एंड वाटर एन एच सी एल एन एच टू ओ एंड सेकेंड जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है उसमें हम देखते हैं ए जी एन ओ थ्री दैट इज सिल्वर नाइट्रेट और एन ए सी एल मिलते हैं ए जी सी एल और एन ए एन ओ थ्री बनाते हैं इसमें ए जी सी एल जो होगा वो प्रेसिपिटेट होगा तो ऐसे नीचे की तरफ एरो दे दोगे कि ये प्रेसिपिटेट हो गया क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक नीचे पाउडर जैसे फॉर्म में रह जाता है दूसरा डिजोल्व हो जाता है एन ए एन ओ थ्री डिजोल्व हो जाएगा ओके नाउ कमिंग टू ट्वेंटी एट पार्ट ए लिखा है समटाइम्स दी पीएच ऑफ आवर माउथ गेट्स लोअर देन 5.5 पॉइंट वाई तो इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया प्रजेंट इन द माउथ ड्यू टू शुगर और फूड पार्टिकल्स इन द टीथ और स्टक बिटवीन द टीथ सो वो बैक्टीरिया जो हैं वो एसिड छोड़ते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट एसिड द पी एच ऑफ आर माउथ गेट्स लोअर देन 5.5 नाव नंबर बी है अ बेसिक सॉल्ट एक्स इज ऑपटेन बाई हीटिंग बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट एन ए एच सी ओ थ्री उसको हमने हीट किया तो एक बेसिक सॉल्ट एक्स मिला फॉलोड बाई क्रिस्टलाइजेशन आइडेंटिफाई एक्स एंड स्टेट इट्स टू इंडस्ट्रियल यूज तो जो हमको सॉल्ट मिला दैट इज एक्स वो तो है एन ए टू सी ओ थ्री और इसके दो इंडस्ट्रियल यूजेस हुए डिटर्जेंट uh, मेकिंग में सोप मेकिंग में पेपर मेकिंग में ठीक है कोई भी दो लिख सकते हो नाउ नंबर सी व्हाई डू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न वाइट ऑन हीटिंग सो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं दैट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट इज़ वाई दे आर ब्लू इन कलर वैन दे आर हीटेड द वाटर मॉलिक्यूल्स इवापरेट्स एंड दे बिकम वाइट इन कलर Now coming to 29 part A, with the help of an activity, explain the action of saliva on the food we eat. So you will say that the a food is taken inside the mouth. So first step, hoga that, uh, that means whatever uh, saliva does, that part you are saying that uh, the saliva first moisten the food. From saliva, amylase is uh, secreted.

इम्पॉर्टेंस लिख सकते हो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है दैट इट डज इमल्सिफ़िकेशन ऑफ फैट इमल्सिफ़िकेशन ऑफ फैट का मतलब हो गया वो लिख भी सकते हो कि लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उसको स्मॉलर फैट में कर लेता है कन्वर्ट और सेकेंड पार्ट जो है वो ये भी कर सकते हो कि मेक द फूड एल्कलिन सो एल्कलिन फूड जो है वो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो ईजीली वर्क कर पाते हैं इस पर नाव थर्टी का पार्ट ए उसमें पार्ट वन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइव सेंटीमीटर हाइट इज़ प्लेसड एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एटीन सेंटीमीटर तो हमको कैलकुलेट करना है दो चीज़ें पहला इमेज डिस्टेंस दैट इज यू पता करना है एंड मैग्निफिकेशन पता करना है हमको सो so, हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो प्लस फाइव ले लिया और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्वेंटी है तो माइनस ट्वेंटी कर दिया फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस है तो हमेशा माइनस में होगा सो माइनस एटीन अब हमको इमेज डिस्टेंस यानी वी पता करना है मैग्निफिकेशन एम पता करना है तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं वन बाई या फिजिकल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू और अब इसको सॉल्व करेंगे सो हियर वैन वी विल सॉल्व द इमेज डिस्टेंस विल कम लाइक दिस सी v इज माइनस 9 नाइन बाई नाइनटीन सेंटीमीटर माइनस तो होगा ही बिकॉज ये कॉनकेव लेंस है तो माइनस होने का मतलब कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बना है अभी कॉनकेव लेंस में अगर ऑब्जेक्ट के पास बना है तो हमको पता है कि ये कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनते हैं और वर्चुअल इमेजेस जो होते हैं वो हमेशा इरेक्ट भी होते हैं और हमेशा ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनते हैं इसीलिए v भी जो है वो माइनस आया है और अब हम निकालेंगे मैग्नीफिकेशन तो मैग्नीफिकेशन का मैंने फॉर्मूला लगाया v अपॉन यू और v और u हमको दोनों मालूम ही है हमने वो लिया तो नाइन अपॉन नाइनटीन आ रहा है नाइन अपॉन नाइनटीन का मतलब है कि वन से छोटा जीरो पॉइंट समथिंग आंसर आएगा तो कॉन्केव लेंस में जो भी वर्चुअल इमेज बनता है वो हमेशा डिमिनिश बनता है तो दैट शोज़ कि मैग्नीफिकेशन जो है वो लेस देन वन है नाउ कमिंग टू पार्ट टू लिखा है कंपेयर द वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेंड बाई अ कॉन्केव लेंस एंड अ कॉन्वेक्स लेंस वेन बोथ द लेंसेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ना देखो जब कॉन्केव लेंस एक वर्चुअल इमेज बनाता है तो कॉन्केव लेंस की वर्चुअल इमेज जो सॉरी कॉन्केव लेंस की जो वर्चुअल इमेज होती है वो डिमिनेश्ड होती है छोटी होती है और जो कॉन्वेक्स लेंस बनाता है उसकी वर्चुअल इमेज बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से तो कॉन्केव लेंस की मैग्निफिकेशन होगी लेस देन वन और कॉन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन होगी ग्रेटर देन वन क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है कॉन्वेक्स लेंस में नाउ कमिंग टू और पार्ट दैट इज थर्टी पार्ट बी लिखा है अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ रियल

हमको पता है कि जब रियल इन्वर्टर देखो शुरू से चालू करते हैं इन्फिनीटी में जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है कॉन्वेक्स लेंस में तब तो डिमिनिस्ड बनता है उसके बाद में बियॉन्ड सी आता है तो भी छोटा ही बनता है सी पे जब रहता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रहेगा तो बराबर बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे भी रखेंगे तो जो इमेज होगा वो मैग्निफाइड बनेगा एग्जैक्टली फोकल लेंथ पे रखेंगे तो भी मैग्निफाइड बनेगा लेकिन फोकल लेंथ और के और आगे चले गए ना अगर हम ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो फिर वो वर्चुअल इमेज बन जाएगा तो रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज में रखने के लिए हमको जरूरी है कि ऑब्जेक्ट 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में हो ठीक है या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर जो वन है मतलब रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज जो बनाना है इसके लिए लेस देन ट्वेंटी सेंटीमीटर पे रखा हुआ होना चाहिए क्योंकि ट्वेंटी सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पे रखने से तो ये बराबर बन जाएगा तो लेस देन ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड मोर देन और इक्वल टू दोनों ही है मोर देन और इक्वल टू 10 सेंटीमीटर चलेगा क्योंकि ये अगर एग्जैक्टली exactly फोकस में रहे मतलब फोकल एंड टेन है तो एग्जैक्टली exactly फोकस में रहे तो भी मैग्नीफाइड ही बनेगा तो ये इसका रेंज है ट्वेंटी से छोटा टेन के बराबर या बड़ा और अब आता है नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ जब ये सेकेंड पार्ट बनाना हो वर्चुअल इरेड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाना हो तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो लेस देन टेन सेंटीमीटर ही होना चाहिए यानी कि फोकस से और पास होना चाहिए फोकस और लेंस के बीच में कहीं होना चाहिए मतलब टेन सेंटीमीटर से और कम होना चाहिए फिर ड्रॉ रे डायग्राम बोल रहा है तो हम जो सेकंड वाला है उसके लिए तो आप फोकस और जो एक वर्चुअल इमेज वाला एक ही हमारे पास इमेज है दैट इज़ रे डायग्राम जो है जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है जिससे वर्चुअल इमेज बनता है वो बना के दिखा सकते हैं और रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड में हम जो बीच वाला इमेज है दैट इज़ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एनी हम रख करके करें तो वहाँ बन जाएगा बिकॉज हमको ऑब्जेक्ट दिखाना भी है तो जैसे हमारा जो फोकस पे रखने से ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है मान लेते हैं कि वो इन्फिनीटी पे बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा तो इसीलिए अगर हमको बनाना है रे डाइग्राम और हमको ऑब्जेक्ट भी दिखाना है मैग्निफाइड ऑब्जेक्ट है तो तो मैग्निफाइड इमेज है तो हमको सेंटर ऑफ करवेचर और फोकस के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख करके और फिर वो रोड uh, रे डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा ओके अंडरस्टूड तो आप मूव तो? तो 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 करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे थर्टी वन पार्ट ए है स्टेट वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई फर्स्ट दिया रेटिना रेटिना इज Light sensitive part or light sensitive layer of the eye, an image is formed on retina. The, the light coming through lens meet on retina to form an inverted image of any object. Uh, pupil ka function? So, pupil controls the amount of light entering or coming towards the lens. Now part B state the role of ciliary muscles in focusing objects at varying distance from the eye so we will write that ciliary muscles helps to increase or decrease the curvature of the lens to focus on a nearby object ciliary muscles contracts so that the curvature of the lens increases focal length decreases and the image of nearby object is formed and just

रूल आता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल उसमें यही रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड पे हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखें विच इज़ नॉट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे बोल ही दिया है कि बिल्कुल परपेंडिकुलर है सेम पैरल नहीं है अब वो लिखा है कि तो जब करंट uh, पास हो रहा है कंडक्टर से तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है हॉर्स यू मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली कंडक्टर डिस्प्लेस होगा यहाँ लिखा है कंडक्टर गेट्स डिसप्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट वेन अ करेंट इज पास थ्रू इट सो वॉट विल हैपन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर इफ नंबर वन करेंट थ्रू इट इज़ इंक्रीज देखो अगर करंट बढ़ेगा तो डिसप्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा सो करेंट थ्रू इट इज इंक्रीज देन डिसप्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीज Number 2, horseshoe magnet is replaced by another stronger horseshoe magnet. If stronger horseshoe magnet then again force on uh, the conductor is increased because force is directly proportional to the magnetic field. So, again displacement is increased. And number 3, direction of current through it is reversed. So, if direction through it, uh, of current through it is reversed, so the displacement is also reversed. That is now the conductor gets displaced towards right. ओके नाउ पार्ट टू है नेम एंड स्टेट द रूल फॉर डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें हम करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और उसको प्रॉपरली स्टेट करना है दैट इज इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर एंड थम को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रख रहे हैं तो जो इंडेक्स फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा होता है मिडिल फिंगर जो हो रहा है वो करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो थम जो भी डायरेक्शन दे रहा होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर वही होगा सो so, इस पार्ट को स्टेट करोगे नाउ और में पार्ट बी लिखा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ वर्टिकल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू अ हॉरिजोटल कार्डबोर्ड ओके मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेम एंड स्टेट द रूल विच इज यूज टू डिटर्मिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ अ करेंट कैरिंग कंडक्टर तो ठीक है ये पार्ट हम बनाते हैं तो इसमें आप इन दोनों में से कोई एक भी बना सकते हो या दोनों ही बना सकते हो क्योंकि वर्टिकल करंट जा रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है वर्टिकल कार्डबोर्ड uh, में और नीचे भी हो सकता है अगर ऊपर होता है तो ये फर्स्ट वाला जो है इसमें हम राइट हैंड थम रूल यूज़ कर रहे हैं तो जो रूल पूछा है कौन सा यूज़ करें वो राइट हैंड थम रूल है तो उसमें हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक होगा और अगर डाउनवर्ड होता है तो हम वही राइट हैंड थम रूल से हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सर्कल में है वो क्लॉकवाइज मूव करिए तो इसमें से कोई एक भी बना सकते हो दोनों मूव करके दोनों दिखा सकते हो वर्टिकल रखा हुआ है इसलिए Now question number 33 is, how is ozone formed in the higher levels of the atmosphere and damage to the ozone layer is a cause of concern? Justify this statement. So how is ozone formed? That uh, ultraviolet rays in the upper level of atmosphere splits the oxygen molecule into oxygen atoms and then these oxygen uh, atoms combine with oxygen molecule to form ozone layer.

इससे पता चल रहा है कि नंबर वन आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड बोल रहा है ना तो एक्स क्या है एक्स तो है इथेनॉल वाई है इथेनॉइक एसिड और जेड होगा एस्टर और कौन सा ईस्टर है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड मिलकर के बना रहे हैं इथाइल एसिटेट या इथाइल एथाइनेट जो भी बोलो ठीक है तो एक्स वाई जेड हमको पता चल गया अब नंबर टू बोल रहे हैं राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन द कन्वर्जन ऑफ एक्स टू वाई एंड एक्स टू जेड मतलब पहला रिएक्शन हमको बताना है कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बना एंड सेकेंड इथेनॉल से ईस्टर कैसे बना मतलब इथाइल एसिटेट एसिट कैसे बना तो वो मैं बता देती हूँ ये है नंबर वन इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड जो हुआ वो ये रहा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उससे पहले बना इथेनॉल फिर से ऑक्सीडाइजिंग उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बन गया सी एस सी ओ एस दैट इज इथेनॉइक एसिड नाउ करते हैं नंबर टू और यह सेकेंड नंबर इथेनॉल से जो इथाइल इथ बना या इथाइल एसिटेट बना दैट इज इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड मिलके हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एच फोर के प्रेजेंस uh, में सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच टू सी एच थ्री बनाते हैं दैट इज इथाइल इथनेट बनाते हैं नाउ कमिंग टू पार्ट थ्री लिखा है स्टेट द रोल ऑफ

Uh, यानी कि इथाइल इथाइनेट जब किसी अल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है दैट प्रोसेस दैट रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन नाउ और वाले पार्ट में बी कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स स्टेटिंग द कंडीशंस फॉर ईच तो ये जो पांचों हैं इनका हम कन्वर्जन भी दिखाते दैट इज रिएक्शन भी लिख करके दिखाती हूँ और क्या क्या कंडीशन चाहिए वो भी एक एक करके बताती हूँ तो ये रहे वो पांचों रिएक्शन नंबर वन इथेन इथेनॉल टू इथेन इसमें कंडीशन रहेगा दैट कॉन्सेंट्रेटेड एच टू इज नीडेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट नंबर टू इथीन टू इथेन में कंडीशन रहेगा दैट निकल इज नीडेड एज अ कैटलिस्ट ये हाइड्रोजनेशन हो रहा है एंड नंबर थ्री इथेन टू क्लोरोथेन में सनलाइट इज नीडेड ये रिएक्शन डार्क में नहीं होता नंबर फोर इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड में हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को या फिर यहाँ पे एल्कलीन के एम भी रख सकते हो कोई भी एक आ, हम रख सकते हैं या दोनों लिख सकते हो ऑब्लिक करके नंबर फाइव इथेनोइ एसिड टू इथाइल इथाइनइट में अगेन कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस फोर चाहिएगा एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट नाउ आते हैं थर्टी फाइव में पार्ट ए का वन है वेयर आर टेस्टिस लोकेटेड इन द ह्यूमन मेल्स एंड वाई तो टेस्ट लोकेटेड है इन

स्पर्म्स ये तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ही और नंबर टू लिख सकते हो हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है दैट हार्मोन इज नेम्ड टेस्टोस्टेरॉन तो टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन uh, होता है नाउ पार्ट टू है इन द ह्यूमन फीमेल वन ऑफ द ओवरीज इज एन एग एवरी मंथ स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इफ़ द एग इज फर्टिलाइज अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट uh, हो जाती है सो प्रेगनेंसी स्टार्ट्स यू कैन राइट और अगर प्रॉपर साइंटिफिक टर्म लिखना है तो जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट तो जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट के पहले हम ये भी लिख सकते हैं दैट द फर्टिलाइज एग इज़ इम्प्लांटेड इन द दूट्रीन वॉल एंड देन जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट नाव एग इज नॉट फर्टिलाइज तो मैंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है या मैंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है नाव नंबर थ्री वॉट इज डन ड्यूरिंग द सर्जिकल मैथड इन मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट प्रेग्नेंसी मेल में जो सर्जिकल मैथड होता है दैट इज़ कॉल्ड वेसेक्टॉमी एंड फीमेल में जो मैथड होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी तो हम सर्जिकल मेथड को नाम लिख दिए और थोड़ा सा पार्ट बता सकते हो कि वैसिक वैसेक्टोमी में द वासफरेंस इज अ पार्ट ऑफ वाज डेफरेंस इज कट एंड देन टाइड एंड इट इज परमानेंट मेथड एंड सिमिलरली ट्यूबेक्टॉमी में अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड ये पार्ट लिखोगे देन नेक्स्ट पार्ट और बी में लिखा है पार्ट वन वॉट हैपन्स वेन लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल लीवस ऑफ ब्रायफॉलम वैन फॉल ऑन द सॉयल तो द प्लांटलेट्स ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव फॉल टू द सॉयल एंड दे ग्रो अ न्यू प्लांट तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया नंबर टू प्लेनेरिया इज कट इन टू मेनी पीसेस दो ईच पीस और ईच पार्ट ऑफ प्लेनेरिया ग्रोज इन टू अ न्यू ऑर्गेनिजम न्यू प्लेनेरिया And number three, sporangia of Rhizopus on maturation liberates spores. That spore spread and then it uh, gives birth to a new organism. That is mycelium. So mention the modes of reproduction in each of the above three cases. So leaves of Bryophyllum, you can write that uh, vegetative propagation through leaves. ये हो रहा है प्लेनेरिया का पार्ट में हम लिख सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन मतलब ये भी रिप्रोडक्शन ही हुआ और स्पॉरेंगिया वाला जो है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन तीनों ही मैथड uh, हो गए रिप्रोडक्शन के नाउ नंबर टू बी पार्ट टू है चेंजेस दैट ऑकर इन अ फ्लावर वंस द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस वंस द फर्टिलाइजेशन हेज टेकन प्लेस तो सी नंबर वन तो ये होता है दैट ओवरी राइपन्स एंड चेंजेस इन टू फ्रूट ये ओवरी में एक बड़ी चेंज होती है एंड ओव्यूल के चारों तरफ दैट इज अ वॉल इज क्रिएटेड अराउंड ओव्यूल नंबर थ्री में ये भी लिख सकते हो दैट ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड और ये जो वॉल जो क्रिएट हो रहा है ये वॉल को हम सीड कोट ही बोलेंगे नाउ कमिंग टू नंबर थर्टी सिक्स पार्ट ए स्टेट ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ में बता रहे हो दैट वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड अदर फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेनिंग द सेम एंड हम वो पार्ट लिख देंगे स्टेट ओम्स लॉ का फार्मूला भी लिख देंगे वी इज इक्वल टू आई आर नाव पार्ट बी दिया है नेम एंड डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी डिटर्मिन बाई द स्लोप ऑफ वी आई कव गिवन इन द डायग्राफ इससे हम जो फिजिकल क्वांटिटी पता करते हैं दैट इज रेजिस्टेंस यूज दिस ग्राफ टू फाइन द वैल्यू ऑफ द दिस फिजिकल क्वांटिटी इन ऐसा यूनिट तो हमको इस ग्राफ के थ्रू अगर निकालना हो फिजिकल क्वांटिटी तो हम इसका स्लोप निकाल देंगे तो स्लोप के लिए हम इस पर्टिकुलर ग्राफ में कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं एक पॉइंट तो हम यही ले, ले लेते हैं ये वाला पार्ट जीरो जीरो वाला हो जाएगा इजी रहेगा और दूसरा पार्ट हम ले लेंगे एक जो स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन इधर फोर पॉइंट फाइव से जा रहा है और यही एक स्ट्रेट लाइन नीचे भी जाएगा दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट सिक्स में ओके तो इससे हम अब जो फॉर्मूला निकालेंगे स्लोप का तो स्लोप का होता है फार्मूला वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो इस केस में स्लोप का फॉर्मूला हो गया वाई टू हमारा है फोर पॉइंट फाइव तो फोर पॉइंट फाइव माइनस वाई वन है ज़ीरो फोर पॉइंट फोर पॉइंट फाइव माइनस ज़ीरो ये एक पार्ट हो गया अपॉन दूसरा पार्ट एक्स टू माइनस एक्स वन तो एक्स टू है ज़ीरो पॉइंट सिक्स माइनस इसका भी एक्स वन ज़ीरो है इसको सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा तो आंसर होगा फोर पॉइंट फाइव अपॉन ज़ीरो पॉइंट सिक्स दोनों का पॉइंट हट जाता है दैट इज़ फोर्टी फाइव अपॉन सिक्स आया तो फिफ्टीन अपॉन टू आ रहा है फिफ्टीन अपॉन टू का मतलब हो गया सेवन पॉइंट फाइव तो सेवन पॉइंट फाइव ओम विल बी द रेजिस्टेंस नाउ कमिंग टू पार्ट सी लिखा है इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वन किलो वॉट आर एंड वन जूल तो इसका होगा वन किलो वॉट किलो वॉट आर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर टेन टू द पावर लगाना है तो टेन टू द पावर सिक्स जूल ये हुआ इन दोनों का रिलेशन नाउ कमिंग टू सेक्शन ई सेक्शन ई में थर्टी सेवन बोल रहा है मेटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ वायटी ऑफ पर्पसेज फॉर दिस वी नीड देयर एक्सट्रैक्शन फ्राम देयर ओर ओरस माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजअली कॉन्टामिनेटेड विथ इम्प्योरिटीज विच मस भी रिमूवड द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन्वॉल्व स्टेप्स है नंबर वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड नंबर थ्री रिफाइनिंग ऑफ द मेटल ठीक है अब हमको नंबर ए में पूछ रहा है नेम एंड ओर ऑफ मर्क्यूरी एंड स्टेट द फॉर्म इन विच मर्क्यूरी इज प्रेजेंट इन इट जो ओर ऑफ मर्क्यूरी है उसको हम बोलते हैं सिनबर और किस फॉर्म में रहता है मर्क्यूरी तो वो एक्चुअली कहलाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड तो वो सल्फाइड के फॉर्म में रहता है मर्क्यूरी उसमें नाउ नंबर बी है व्हाट हैपेंस टू जिंक कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर जिंक कार्बोनेट को हम जब हीट कर रहे हैं मतलब ये प्रोसेस है कैल्सिनेशन तो जिंक कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कन्वर्टेड uh, इंटू एक तो जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो सी ओ टू निकलेगा इसमें से नाउ पार्ट सी है द रिएक्शन ऑफ मेटल ए विथ एफ ई टू ओ थ्री इज हाईली एक्जोथर्मिक एंड इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स हाँ नंबर वन लिया आई आइडेंटिफाई द मेटल ए तो जो मेटल है वो तो है एल्यूमिनियम ए एल है और नेक्स्ट uh, पूछ रहा है कि नेम द रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन ओके okay? नाव नंबर टू बोल रहे हैं राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल ए विथ एफ ई टू ओ थ्री तो ये रहा वो रिएक्शन एफ ई टू ओ थ्री और टू ए एल से रिएक्ट होकर बन रहा है टू एफ ई और ए एल टू ओ थ्री प्लस हीट जनरेट हो रहा है बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाव और में दिया है पार्ट सी का और है वी कैन नॉट यूज कार्बन टू अपटेन सोडियम फ्रॉम सोडियम ऑक्साइड वाई बिकॉज सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल एंड इट इज ऑल्सो स्टेबल इट इट हैज़ हाइयर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन दैन कार्बन दैट इज़ वाई कार्बन कैनॉट बी यूज टू ऑबटेन सोडियम फ्रॉम सोडियम ऑक्साइड एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टेट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथॉड एंड ए नॉट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो वो मैं बता देती हूँ तो ये रहा वो रिएक्शन देखो कैथोड में क्या होगा सोडियम आयन जो है वो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा एंड सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया एंड एनोड में क्लोरीन आयन दैट इज क्लोराइड आयन गया उसने इन एनायन है तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया दे दिया तो सी एल में कन्वर्ट हो गया ऐसे दो रिएक्शन होंगे तो सी एल और सी एल मिल करके क्लोरीन गैस बना देंगे ये रिएक्शन हमको दिखाना है नाउ कमिंग टू पार्ट थर्टी एट लिखा इन सम फैमिलीज आई दर रूरल और अर्बन फीमेल्स आर टॉर्चर्ड फॉर गिविंग बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड ओके इन फैक्ट द मदर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड एंड इट हैज़ बीन जेनेटिकली प्रूव्ड दैट सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इज डिटर्मिन बाई वॉट द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर करेक्ट तो पार्ट ए में लिख रहा है स्टेट द बेसिस ऑन विच द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज डिटमिन इन ह्यूमन जो बेसिस होता है वो होता है जीन्स तो या तो लिख दो कि जेनेटिकली डेटोमेंट और या फिर लिख दो जीन्स होते हैं ओके नाउ नंबर बी पूछ रहा है वाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड अ मिस मैच्ड पेयर इन मेल्स तो यू विल सी दैट सेक्स क्रोमोसोम इन मेल्स कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमोसोम एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज ऑफ नॉर्मल साइज बट वाई इज

ट्वेंटी थ्री फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड ट्वेंटी थ्री फ्राम द फीमेल पेरेंट गोज टू द प्रोजनी एंड दे द ऑरिजिनल नंबर दैट इज फोर्टी सिक्स नंबर इज री स्टोर्ड उस पार्ट को हमको समझाना रहेगा देन और मैं है सी का दैट एक्सप्लेन बाई गिविंग टू एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम इन विच द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटर्मिट ऐसे काफ़ी ऑर्गेनिज्म हैं हम uh, दे सकते हैं एग्जाम्पल्स नेल का स्नेल में जेनेटिकली डिटरमिन नहीं होता है देन uh, कुछ टर्टल्स मोस्टली टर्टल्स जो होते हैं उनमें नहीं होता है फिर क्रोकोडाइल्स होते हैं उनमें नहीं होता है तो इनमें से कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स का नाम दे सकते हो नाउ कमिंग टू पार्ट थर्टी नाइन लिखा है मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज दे आर कम्बाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ इमेज नेट पावर पी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट इज गिवन बाई द एल्जेब्रिक्स सम जैसे पी वन पी को ऐड कर देंगे तो पी मिलेगा करेक्ट दिस इज नोन ए सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ लेंस ओके नाउ अभी हमको दिया है दीज लेंस सिस्टम्स कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज एंड ऑल्सो कॉन्केव लेंसेज कुछ भी हो सकते हैं तो पार्ट ए में पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट ऑफ़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस फोर डाइप्टर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर माइनस टू डायप्टर तो जैसा कि किया जाता है कि हम हमेशा ऐड करेंगे मतलब हम प्लस फोर और माइनस टू को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा प्लस टू डायप्टर तो ये जो होगा ये कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी का होगा बिकॉज़ इसमें कॉन्वेक्स लेंस का पावर ज़्यादा है नाउ नंबर बी है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर माइनस टू पॉइंट फाइव डाइप्टर तो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है वो क्या है दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन अपॉन द पावर ठीक है तो ये हमारा आंसर आ जाता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन अपॉन टू पॉइंट फाइव दैट इज इक्वल टू टेन अपॉन ट्वेंटी फाइव आ जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो जीरो पॉइंट फोर हमारा आंसर आएगा जीरो पॉइंट फाइव फोर मीटर बिकॉज फोकल लेंथ हमेशा मीटर में आंसर आता है अब हम उसको चाहें तो जीरो पॉइंट फोर मीटर लिखें या सेंटीमीटर में लिखना है तो फोर्टी सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसमें हमको माइनस प्लस की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज फोकल लेंथ पूछ रहा है तो माइनस का है यानी ऑब्वियसली कॉन्केव लेंस का ही है

अपॉन जीरो पॉइंट वन मीटर में आएगा ये आंसर यानी कि टेन मीटर आ रहा है इसका टेन मीटर और डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा होगा मतलब टेन को अब हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन थाउजेंड सेंटीमीटर तो फोकस है ओके okay? और ये ऑप्टिकल सेंटर से सिर्फ 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है इसका मतलब कौन सा डायग्राम बना रहे हो कॉन्वेक्स लेंस वाला दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस तो इसका मतलब कि यहां पे हमारा वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज बन रहा है इरेक्ट इमेज बन रहा है वाला इमेज बनाओगे इसमें नाउ सी का ये और है हाउ इज़ वर्चुअल इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म्ड बाई अ कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के इमेजेस में बस जो वर्चुअल इमेजेस होते हैं उनमें बस ये डिफरेंस होता है कि कॉन्केव लेंस का मैग्निफिकेशन कम होता है दैट मीन्स कॉन्केव लेंस से बने हुए इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड कॉन्वेक्स लेंस से बने हुए इज ऑलवेज मैग्निफाइड और लिखा है अंडर वॉट कंडीशन डू अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेजेस कॉन्वेक्स लेंस का कंडीशन ये होना चाहिए दैट ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस देन ओनली वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म एंड कॉन्केव लेंस का है कि एनी वेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एनी वेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस अगर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इट विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज सो यर वी हैव सॉल्व फुल पेपर ऑफ साइंस दिस इज सेट नंबर वन ऑफ थर्टी वन फाइव वन बट जो जो भी क्वेश्चन पेपर है उनमें बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन भी होंगे मिलते जुलते भी होंगे और सेम क्वेश्चन भी होंगे क्वेश्चन नंबर इधर उधर होंगे तो आई होप दिस विल हेल्प यू दिस सॉल्यूशन विल हेल्प यू आई विल कम अप विद सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स पेपर ऑल्सो बेसिक पेपर एंड स्टैंडर्ड पेपर सो इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल सब्सक्राइब इट and prepare well for your next exams all the best bye bye jai Hind.